मैंने बोल दिया सर Happy anniversary. Okay, congratulations for nominations and all. क्या कहना चाहेंगे award के सामने किस award के लिए nominated हुए संजय अभिषेक? Best supporting actor male की nomination है and देखते हैं कैसा होता है अंदर. But thank you to International Iconic Awards for the nomination. It feels nice. 4 साल हो गए कुंडली भाग्य करते करते and 1000 episodes. So it feels nice for the nomination. Well. सब जानते हैं कि मैं खलनायक हूँ, तो खलनायक कैटेगरी के लिए नॉमिनेटेड हूँ. थैंक्स टू द एंटायर टीम ऑफ इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स. दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द सेम अवार्ड. सो आई एम जस्ट हियर टू एंजॉय द इवनिंग एंड मेक ऑल माई वेल विशर्स, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स एंड ऑल द फैंस एंड व्यूअर्स ऑफ कुंडली भाग्य रियली प्राउड. वन टाइम विनर, टू टाइम विनर, लाइफ टाइम विनर. It feels, you know, they don't fail to surprise me all the time. मतलब जब से मैंने यू नो कुंडली भाग्य की शूट स्टार्ट की है तब से सरप्राइज पे सरप्राइज ही मिलता जा रहा है. पहले सबसे पहला सरप्राइज तब मिला जब ये कैमियो रोल था एंड देन इट गॉट कन्वर्टेड टू द नेगेटिव लीड ऑफ द शो. पहला सरप्राइज वो. फिर उसके बाद कभी सोचा नहीं था कि एक यू नो नेगेटिव कैरेक्टर को, एक विलन को इतना प्यार मिलेगा. उसके बाद फैंस ने एक टैग भी दिया, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड विलन गॉट अ टैग, हैशटैग विलन हीरो, विलन हीरो. तो बहुत प्यार मिला, नफरत से ज़्यादा प्यार मिला, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी. सो आई वॉन्ट आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक एकता मैम, पादरी टेलीफिल्म एंड ऑफकोर्स माई को एक्टर्स एंड यू नो ऑल द व्यूअर्स ऑफ कुंडली भाग्य फॉर एक्सेप्टिंग ऑल ऑफ अस. जिस तरह से एक्सेप्ट किया, 4 साल पूरे हो गए, 1000 एपिसोड हो गए, विच इज़ ह्यूज माइल स्टोन फॉर ऑल ऑफ अस. एंड ये माइल स्टोन ऑडियंस के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता, व्यूअर्स के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता. सो जस्ट वॉन्ट टू शो ऑल माई ग्रेटिट्यूड to the viewers and the audiences. Acha ek cheez aap se jaan chahiye, Bigg Boss aapne kitna follow kiya hai is baar? Kya is baar nahi, is baar bilkul nahi follow kiya, is baar bilkul follow nahi kar paya, bilkul bhi follow nahi kar paya. Aur agar follow karte bhi hai to bhi hum kuch comment nahi karte. Correct, wo bahut controversial ho jata hai. Isme koi aisa koi aapka pehchan wala ya fir koi aisa family ke, bilkul family ke zishan jo hai, zishan hai, ridhma gayi hai, ridhma hai, ridhma achhi friend hai. जीशान से अभी रिसेंटली मिले थे हम लोग जब गोवा में शूट कर रहे थे, वो भी बड़ा स्वीट लड़का है. तो आई होप यार जो भी बेस्ट है वो जीते हैं एंड थैंक यू सो मच.